फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है, 9:05 हो गया है। तो सुबह मैं 9 उठ गई हूँ। तो उठते ही सबसे पहले मैंने ये वाला काम अपना ख़त्म कर दिया। उठते ही सबसे पहले मैं अपना जो बेड है वो लगा दिया है, और उसके बाद जो रात को मैंने अपनी मेहंदी घोल कर रखी थी वो मैं लगाऊंगी। पर लगाने ही जा रही थी, फिर मुझे एकदम से याद आया कि धूप निकल रही है, तो क्यों ना पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो मशीन को पहले मुझे भरना है, पानी डालना है इसमें थोड़ा सा। बाहर जो है ना, वेदर थोड़ा सा हल्का हल्का सा बारिश वाला हो रहा है, बट जो धूप है ना वो बहुत तेज है। तो आप देख सकते हो ना, बाल जो है ना वो मेरे खुले हुए हैं, क्योंकि मेहंदी लगाने ही जा रही थी मैं। इसके बाद आकर फिर मैंने सोचा कि पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो जो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे, और उसके बाद जो है ना मैं मेहंदी लगा लूँगी। और ना एक हफ्ते के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सुखाने की आ जाती है बहुत बड़ी दिक्कत। तो इसलिए ना मैंने अब हाफ ऑफ करके ही मैं धोऊंगी, मतलब आधे मैंने आज धोए हैं और आधे मैं जब सुबह जाऊंगी स्कूल तो तब धो के चले जाऊंगी, ऐसे ही करूंगी मैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो मेहंदी लगाने से पहले मैं अपने बालों को ना एक बार मैं अच्छे से कॉम कर लेती हूँ, ताकि सारे जो बाल हैं ना वो सुलझे हुए हों। और ना मैंने इतनी देर से मैंने वो देख रही थी कि पॉलीथीन मिल जाए, ताकि मैं अपने दोनों हाथों को कवर कर लूँ, बट मुझे नहीं मिली। और मुझे हाथ से ही लगाना पड़े, बट मुझे ना हाथ से लगाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना हाथ जो होते हैं ना बिल्कुल रेड रेड हो जाते हैं। तो बस फिर सारे मैं फटाफट से लगा के मैंने जूड़ा बांध लिया है, और अभी जो है कपड़े धुल रहे हैं, मतलब कि एक बार के जो है धुल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बालकनी को साफ़ कर देती हूँ। और आप धूप देख सकते हो ना, बहुत तेज़ धूप थी। तो बस अभी मैंने सारी बालकनी, और पता है बालकनी को साफ़ करते करते कम से कम मुझे 20-25 लग गए थे, क्योंकि एक हफ्ते की बालकनी होती है, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा। ये नहीं है कि मैं झाड़ू नहीं लगाती, झाड़ू मैं लगाती हूँ, डेली झाड़ू लगाती हूँ, बट जो पानी से साफ़ होता है ना मुझे उसमें ही मज़ा आता है। तो सारी जो पौधे हैं उसको ठीक करके, एक एक पौधे को उठा के उसको अच्छे से अरेंज करके, तो मुझे ना 20-25 लग जाते हैं। एक हफ्ते की सफाई मतलब हो जाती है। पूरी ग्रिल्स को साफ़ करो, फिर उसके बाद सारा जो पौधे हैं उसको एक बार धो। जैसे मिट्टी के होते हैं वो तो कुछ नहीं, बट जैसे प्लास्टिक के होते हैं ना उसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ तो चमक जाते हैं बस। और कपड़े जो है धुल गए ना, तो उसकी मैं लगाने की जो रस्सी है ना उसको मैं बांध रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो देखिए ये है कपड़े जो धुल चुके हैं, और बालकनी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब जाके मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे अभी जो है ना, मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ अपने लंच की। तो लंच में आज बनेगा कढ़ी चावल। कढ़ी में टाइम लगता है ना, तो सोचा कि पहले मैं कढ़ी को मैं पकाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जो नाश्ता है ना वो मैं बना लूँगी। पर जो नाश्ता है ना वो मेरे हस्बैंड बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊँगी। और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, उसके बाद मैंने इसमें बेसन को डाल दिया है, उसको भी मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, ताकि जो कोई लम्स ना हो। और वो हो जाते हैं ना तो फिर वो बनने के बाद ना अच्छा सा नहीं लगता। उसके साथ अच्छे से फेंटने के बाद इसमें मैंने सारे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो मैं तो जो कढ़ी है ना बहुत सिंपल बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती इसमें, क्योंकि हमें सिंपल ही पसंद है। तो बस अभी इसमें नमक डाल के अच्छे से, जितना मुझे इसमें पानी रखना है उतना मैं रख दूँगी, और छोंक दूँगी इसको मैं। नाश्ता नहीं बना है, तो पहले मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ, कढ़ी पर टाइम लग जाता है। और अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि ना जो सरसों का तेल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो कहते हैं कि पहले सरसों के तेल को पकाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो क्या होता है ना, जो उसकी स्मेल होती है ना सरसों के तेल की, वो नहीं आती है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। और
आज मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बनाई जाए, क्योंकि सावन में हम कढ़ी खाते नहीं है, तो अब सावन भी निकल गया है, तो फिर अब मैं कढ़ी बना रही हूँ। अभी काम मेरा सिर्फ कपड़े धुले, अभी झाड़ू पोछा सब रह गया, मेहंदी सोच रही हूँ कि जब तक मैं मेहंदी को 2.5 घंटे रखती हूँ, 2 या 2.5 घंटे रखती हूँ, तो अभी 1.5 घंटा हुआ है मुझे, तो अभी मेरा काम बहुत सारा रहता है। अभी नाश्ता नहीं बना, नाश्ते में मेरे हस्बैंड बनाएंगे, और मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला मसाला यूज करेंगे, आप देख सकते हो ऑमलेट मसाला, ये वाला मसाला यूज करेंगे वो। सिंपल मैं जो है ना सिंपल ही मैं छोकती हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं डालती, क्योंकि फिर जो हम जब कढ़ी खाते हैं फिर वो चीज मुंह में आती है ना साबुत साबुत, तो सारी जो कढ़ी है ना उसका टेस्ट खराब सा हो जाता है, तो मैं सिंपल ही करती हूँ। और वो जब कढ़ी बन जाएगी ना तो उसमें मैं लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ बस, तो मैं सिंपली हम सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। नाश्ता बन गया है तो नाश्ता कर रहे हैं, ऐसे मुझे पता नहीं था कि इस मेरे हस्बैंड क्या बना रहे हैं नाश्ते में, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो ये देखिए ये है, कौन सा है ये, कबाब स्टाइल में आमलेट है ये, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। काश एक यूट्यूब ने इसमें ऐसा ऑप्शन दिया होता कि आप इसकी स्मेल सूंघ सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू अच्छी आ रही है इसकी। और अब हम नाश्ता कर रहे हैं, टाइम 11:30 हो रहा है लगभग, मेहंदी जो है मेरी सूख चुकी है, वैसे मुझे पूरा सुखाना नहीं था तो मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना वो पसीना यहाँ से आता है तो वो गंदा लगता है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। नाश्ता करती हूँ, फिर ये वाला रूम साफ़ करती हूँ, कपड़े वॉश हो चुके हैं, मशीन साफ़ कर दी है, कढ़ी जो है ना कढ़ी अभी 1/2 घंटा और पकाना है बस, तो कढ़ी भी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, चाय पीने तैयार। शाम का टाइम, और दिन में सुबह के टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी घर को क्लीन करना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कोई शूट नहीं किया। और अब मैं डायरेक्ट अपना जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ इवनिंग से, तो बाहर से जो सारे कपड़े हैं वो मैं लेकर आ गई, बट तय अभी नहीं लगाई है। दोपहर में थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि थक गई थी ना, तो 1 घंटा मैंने आराम किया, तो जो चादर है वो पूरी मैसी हो रखी है, उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और जो मैंने मंदी वाला रूम आपको दिखाया था ना वो, उसको मैंने क्लीन किया, तो वहाँ पे जो ये माला रखी थी ना, तो मैंने माला को भी अच्छे से वॉश कर दिया है, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक गए हैं। अभी इनको मैं लगा दूँगी, तो बस अभी इनको ठीक करते हैं, इवनिंग का काम है वो उसको शुरू करते हैं। बालों का जो कलर है ना अच्छा आया है, अभी मेरे बाल
शैम्पू नहीं किया है तो शैम्पू कल करूंगी। दाना दर्द करता है बहुत तेज वाला। हाँ मैं ना वीडियो को एंड करने जा रही थी तो फिर ना दो पार्सल आ गए थे। मैंने ना आपको दिखाती हूँ क्या मैंने मंगवाया था। वीडियो देखी थी तो वीडियो में जो था ना वो मुझे उसका नाम नहीं आ रहा था, कॉन्ट्रो बोलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ये मुझे ना ये मेरे लिए मंगवा देना। तो उन्होंने फिर ऑर्डर करके मंगवा लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मेरा जो एक था ना कंसीलर तो वो खत्म हो गया था और फिर उन्होंने कंसीलर भी मंगवा दिया। इस बार जो है ना छोटा मंगवाया है क्योंकि पिछली बार जब मंगवाया था तो काफी बड़ा मंगवाया था और काफी टाइम चल गया था। तो इस बार मैंने छोटा ही बोला था कि छोटा ही मंगवाना। और ये फिटमी का है ना। और एक मैंने कॉन्टोर वाला मंगवाया था, कॉन्टोर बोलते है ना, मुझे जरा इसका नाम लेना नहीं आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो कौन कौन करके होते है ना जो ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, तो फिर उन्होंने सर्च किया तो फिर उन्होंने बोला कि ये वाला। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने एक ये मंगवाया था, उसके साथ प्लस ये भी आ गया हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर है, आपको दिखा देती हूँ, ये हाइलाइटर है और ये है कॉन्ट्रोल। तो ये मंगवाया था इन्होंने। तो ये दो चीजें आ गई है, मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ ये दो चीजें, बस यही है। और सुबह ज्यादा मतलब सुबह बहुत ही ज्यादा मैं बिजी थी, इस वजह से मैं आप सबसे मिल नहीं पाई और ना बात कर पाई। फिर आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा बिजी वाला रहा। वैसे हर संडे मेरा बिजी जाता ही है, इस बार भी बिजी मेरा रहा क्योंकि आज जो था ना काम मेरा बहुत लेट हुआ है। मेरा काम हुआ है 4 बजे करीब, क्योंकि एक जो हमारी जो मैम है ना प्रिंसिपल, उनका कॉल आ गया था। तो मैं भागते भागते जल्दी जल्दी मैं नहाकर फिर मुझे स्कूल जाना पड़ा, अर्जेंटली मुझे स्कूल जाना पड़ा वहां पर। तो फिर वहां से आई थी 1 घंटे बाद। उसके बाद फिर आके मैंने अपने काम शुरू किए। इस वजह से जो है ना वीडियो कह रही सॉरी, इस वजह से जो है ना मैं आप सबसे बात ही नहीं कर पाई। यही रीजन था कि मैंने जो सुबह का जो काम था ना वो इतना लेट हुआ था, बस यही है। और वीडियो एडिट करते हैं क्योंकि वीडियो का मुझे एडिट भी करना है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। पूजा करते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे पीछे तो नहीं देते तो बाय कर दिया। ये कह रही है हमारी वीडियो को देख कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटा गिर जाओगे वहाँ नहीं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।